हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17th of July 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन यूएसए। राइट आंसर ऑफ 18th इज इट्स 18th। सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे होने वाला है? यूएसए में। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है यूएसए में, एक यूजीन नाम का एक सिटी है वहाँ पे ये होगा। ओके okay? और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, उस पर हुआ खेला जाएगा। ओके okay? एंड कब से शुरू होगा? July 15 से लेकर के 24 के बीच में। यानी कि अभी वी डोंट हैव रिजल्ट की लाइक कितना कौन सी कंट्री कितने मेडल्स अब तक जीती हुई है, तो ये 24 के बाद ऑलमोस्ट 26 को ही पता चल पाएगा। ओके एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 192 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, एक्सेप्ट दैट फ्रॉम 192 कंट्रीज में से यहाँ पे 1972 एथलीट्स जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे रशिया एंड बेलरस के जो जितने भी एथलीट्स हैं इनको यहाँ पे पूरी तरीके से वंचित कर दिया गया कि भाई आप यहाँ पे नहीं आइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 50 डिफरेंट गेम्स या फिर डिफरेंट इवेंट्स होंगे जिसमें जो 1972 जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे। ओके okay? अभी ये एक साल के लिए लाइक फॉर वन ईयर ये पोस्टपोन हो गया था, एवरीवन नोज अबाउट किस कारण से हुआ होगा। ओके तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी इसके कितने मतलब कितने कुछ अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक्स था वो यहाँ पे हो चुका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश हैव बीन नेम इन द टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। थर्ड आंसर ऑफ सेकंड इज ए विच इज केरला एंड अहमदाबाद। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई केरला को यहाँ पे क्यों मिला है। तो केरला को क्या बोलते हैं? गॉड ओन कंट्री, मतलब ये भगवान का अपना घर है। क्यों केरला को ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ पे बहुत ही मतलब जो आर्किटेक्चर ऑफ टेंपल है ना वो बहुत ही यूनिक है, उसके कारण यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा वहाँ पर जो बीचेस हैं वो जो वहाँ पर नेचर है वो काफ़ी अच्छी है, एंड लाइक फॉरेस्ट भी काफ़ी सही से वहाँ पे, तो काफ़ी मतलब टूरिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगहों में से एक है। ओके एक्सेप्ट दैट अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे लाइक नॉर्मल लोगों को लगा कि लाइक अहमदाबाद में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो दे आर हैविंग अ लाइक एंशियंट लैंडमार्क सिटी भी इसको बोलते हैं, और यहाँ पे लाइक कुछ कॉन्टेम्प्रेरी इनोवेशंस भी होते रहते हैं। एक्सेप्ट दैट कल्चरल टूरिज्म भी यहाँ पे है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली गांधी जी का जो आश्रम था वो भी यहाँ पे ही है। एक्सेप्ट दैट मोस्ट इसके अलावा लाइक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड जो कि 9 दिन का होता है जिसको हम लोग नवरात्रि बोलते हैं। तो नवरात्रि का फेस्टिवल अहमदाबाद में काफ़ी धूमधाम से वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, एंड लॉन्गेस्ट डांसिंग फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, 9 दिन मतलब 9 रातों के लिए बहुत अच्छे तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता हो, तो आप जाके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी एट द वर्ल्ड गेम्स 2022 इन बर्किंगम। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज ज्योति सुरेखा वेनम। ओके तो राइट तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें अभिषेक वर्मा जी जो है इन्होंने भी कई सारे यहाँ पे मेडल्स जीते हैं, स्पेशली एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे पता इनको क्या हुआ, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बात करें तो ये एलबामा में हुआ था। ओके एलबामा यूएसए। इन्होंने किसको डिफीट किया था? इन्होंने मैक्सिको की जो प्लेयर हैं उनको यहाँ पे डिफीट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्चरी और साथ में शूटिंग, इस दोनों में इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा अभी मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया के पास कई सारे मेडल्स हैं इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ओके काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं दोनों ही चीज़ में, आर्चरी एंड शूटिंग में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ प्लान टू लॉन्च अ न्यू स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। थर्ड आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज चाइना। तो चाइना यहाँ पे एक बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो कि ऑब्जर्वेशन करेगा। ओके तो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, सोलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करेगा, और साथ में सोलर फ्लेयर्स के ऊपर भी यहाँ पर रिसर्च वगैरह करने के लिए सेटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। कब? अक्टूबर में। ओके और पूरा स्टडी यहाँ पे करने वाला है हर चीज़ के ऊपर, साथ ही में एक्सप्लोरेशन ऑफ सन भी ये करेगा, जो कि अच्छी बात है भाई, करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 अलग अलग पेलोड्स भी यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें पहला पेलोड है मैग्नेटोग्राफ। ओके एक्सेप्ट दैट सोलर टेलीस्कोप एंड हार्ड एक्स रे इमेजर जिसके थ्रू यहाँ पे इमेजेस वगैरह ली जाएंगी। सोलर टेलीस्कोप से ये अगेन वही नौटंकी कुछ करेगा वहाँ पे। तो चाइना जो है वो लाइक टेक्नोलॉजी के मामले में, इन सारी चीज़ों के मामले में काफ़ी आगे, उसकी जो सोच है वो काफ़ी आगे रहती है बाकी किसी भी कंट्री से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2023 एज पर नोरोमा। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज डी विच इज 4.7%। ओके इससे पहले ये 5.4 दिया था इन्होंने, लेकिन अब बोल रहे हैं कि लाइक 2023 में आपका इतना ही होने वाला है। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्स भी हैं, लाइक इन्फ्लेशन भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, उसके अलावा जितने भी लोन्स लोग जितने भी लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, एंड जितने भी एक्सपोर्ट वाले बंदे हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ में जो हमारे रुपीज़ का जो वैल्यू है सबको पता चल गया होगा कि वो 80 रुपीज हो चुका है, एंड लाइक ये सही चीज नहीं है अभी के हिसाब से। ओके
एंड लेट्स सी कि लाइक डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लाइक अब मेजर्स यहाँ पे डेफिनेटली लिए जाएंगे, बट वी डोंट नो लाइक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. बस ये अभी 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगे एक्सपोर्टर्स को. यहाँ पे इंपोर्टर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है, ओके ये तो ये थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक पार्टनर विथ नीति टू ट्रेन एंड हायर डेटा इंजीनियर्स. राइट आंसर ऑफ सिक्स इज डी विच इज HDFC बैंक. तो HDFC बैंक ने एक मतलब HDFC बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ एक मिनट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने यहाँ पे अनाउंस किया कि भाई हम लोग यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट को लाइक हायर करने वाले हैं, इवन वी आर गोइंग टू ट्रेन दैम. ओके साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई दिस इज अ न्यू एज जहाँ पे डिजिटल टैलेंट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इमर्ज हो रहा है, अच्छे तरीके से लोग मतलब लाइक दे आर गेटिंग टैलेंटेड बिकमिंग टैलेंटेड फ्रॉम डिजिटल वे. ओके जैसे कि स्किल शेयर वगैरह हो गया, इन सब से इन सब चीज़ों से. तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है बैंकिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जो डिजिटल टैलेंट है उनको हम लोग इंक्लूड करने वाले. तो यहाँ पे बोला गया कि हम लोग यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देंगे 12 वीक्स की. ओके एंड देन वी आर गोइंग टू हायर 100 डेटा साइंटिस्ट पर ईयर. ओके ये भी आप लोग याद रखिएगा. तो इससे बेनिफिट्स क्या मिलने वाले, तो यहाँ पे पहला बेनिफिट ये होगा कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस पर्टिकुलर बैंक की, और जितने भी फंक्शंस होंगे ऑनलाइन वाले सिस्टम में वो सब यहाँ पे काफ़ी स्मूथ काम करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा साइंटिस्ट. ये काफ़ी मतलब अच्छे लोग होते हैं लाइक इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट और डेटा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फोसिस टू एक्वायर बेस लाइफ साइंस फॉर डैश मिलियन यूरो. राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज डी विच इज 110 मिलियन यूरो. ओके तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इन्फोसिस है वो यहाँ पे बेस लाइफ साइंस को खरीद रहा है. ओके क्यों खरीद रहा है, सो दैट कि यहाँ पे जितना भी क्लिनिकल टेस्टिंग होता है उसकी यहाँ पे स्पीड अप किया जा सके, एक्सेप्ट दैट डेवलप लार्ज स्केल में यहाँ पे ड्रग्स की डेवलपमेंट की जा सके जो कि मेडिसिन में यहाँ पे यूज़ होती है. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितना भी लाइक हेल्थ है या फिर जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आउटकम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए उसके फील्ड में भी यहाँ पे कर रहा है. ओके विद द हेल्प ऑफ अगेन डेटा एंड AI. यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे जो इनकी जो इन्फोसिस की जो इतनी अपनी इनकम है उसमें भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उनका जो टर्नओवर होता है उसमें भी एंड और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं. डेनमार्क बेस्ड कंपनी है ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर भी डेनमार्क में ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द मिशन शक्ति स्कीम्स. राइट आंसर ऑफ इट इज ए विच इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके तो बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए एंड उनका पूरा का पूरा जो एम्पावरमेंट का जो पूरा जो सिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई. ओके एक्सेप्ट दैट चाइल्ड प्रोटेक्शन भी काफ़ी यहाँ पे एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके एंड जितने भी बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल्स, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है. ओके और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला स्कीम है. वाई, बिकॉज इसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यहाँ पे सब कुछ आ जाता है. ओके और ये कब तक हो जाएगा, मतलब इन्होंने बोला कि भाई कब तक यहाँ पे होगा, तो इन्होंने बोला कि 15th फाइनेंस कमीशन तक ये हो जाएगा जो कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक ये इंप्लीमेंट हो सकता है. ओके इसके बीच में 5 साल का होता है. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वुमेन्स स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे पूरी तरीके से बात की गई है एंड इनको फाइनेंशियली लिटरेट बनाने की बात की गई है. दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके तहत इनको अवेयरनेस होगा स्पेशली अबाउट स्किल एंड लिटरेसी, मतलब उसने बताया कि भाई लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन विच स्टेट स्लैश यूटी. राइट आंसर ऑफ 9th इज बी विच इज केरला. तो केरला में यहाँ पे मिला था और जो पर्टिकुलर जो बंदा यहाँ पे जो ये UAE से आया था और जिससे मिल के आया था उसको भी मंकी पॉक्स था. ओके ये यहाँ पे कब पता चला, 12 जुलाई को. एक्सेप्ट दैट जितने भी यहाँ पे WHO द्वारा जितने भी गाइडलाइंस थे वो यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी मतलब बोला कि भाई जितना भी वहाँ उन्होंने गाइडलाइन दिया है उसको हमने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है, आगे देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमारे एंड से सब कुछ सही चल रहा है. एक्सेप्ट दैट जो यहाँ पे जो बंदा पकड़ा गया उसके पूरी फैमिली मेंबर्स जहाँ से भी वो ट्रैवल कर रहा है उस वहाँ पर अराउंड 11 पैसेंजर्स जो उसके आसपास बैठे थे वो और जिसके पास भी वो गया, लाइक जो भी उसके पास गया है चाहे वो फिजिकल मैनर में हो या फिर इमोशनल जितने भी उसके लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया. ओके दिस इज़ नॉट गुड, अभी पता नहीं क्या क्या आएगा. ओके तो जस्ट प्लीज़ जितने भी इसकी सेफ्टी अगर कोई मैजर्स अगर पता चलते हैं तो फॉलो दैट. ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होल सेल प्राइस इंडेक्स इन June 2022. राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज 15.818%. ओके तो बेसिकली June 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 12.07% था, अब देख लो बढ़ के कितना हो गया है. तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि लाइक इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन जो लोगों की जो जो इनकम है वो उतनी नहीं बढ़ रही. ओके तो इसको रिलीज़ किसने किया, रिलीज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। साथ ही मैं यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे चीज़ों के दाम तो बढ़ ही रहे, जैसे कि यहाँ पे मिनरल ऑयल हो गया, फूड आर्टिकल्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट्स जितने भी लाइक फेस वॉश वगैरह जितनी भी चीज़ आती हैं सारी, इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सब चीज़ों की जो दाम है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ डेवलपमेंट टाइप उतना दिख नहीं रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लीवेज सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री, राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की यहाँ पे सिंपल सीधी स्कीम में बात की गई, ओके, स्पेशली फॉर वुमेन्स, क्योंकि ये टेक्सटाइल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कपड़ों का पूरा व्यापार अच्छे तरीके से करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, एक्सेप्ट दैट वुमेन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको यहाँ पे सुधारने की पूरी तरीके से बात की गई है। साथ में यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके के मतलब कह सकते हो कि स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके थ्रू काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस भी यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई है। और यहाँ पे लाइक जितने भी लोग हैं जो कि टेक्सटाइल में हैं, उनसे जैसे जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप है तो उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इनकरेज करने की बात की गई कि भाई जितने भी स्टार्टअप या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओला इलेक्ट्रिक हैज़ अनवील्डेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल विथ द नेम ऑफ, राइट आंसर ऑफ 12th इज बी विच इज NMC 2170। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक जो लिथियम आयन सेल जो होते हैं काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी अच्छी बैटरी क्वालिटी होती है और काफ़ी खतरनाक भी होती है, ओके। तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक ने अपना खुद का लाइक इंडिजीनियसली यहाँ पे डेवलप किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके हिसाब से यहाँ पर जो इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग चेन्नई में यहाँ पे गीगा फैक्ट्री लगाएंगे 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग मास प्रोडक्शन करने वाले हैं। किस चीज़ का लिथियम आयन सेल का। इससे यहाँ पे जो इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, साथ में इसकी जो ओवरऑल जो लिथियम आयन की जो सैलरी होती है, सैलरी बोल रहा हूँ, साइकिल होती है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, जो इनकी पूरी ओवरऑल जो हेल्थ साइकिल होती है वो भी पर्टिकुलर सेल की काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई दे आर गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड मोस्ट एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर सेल, मतलब बैटरीज के ऊपर यहाँ पे पूरा रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू व्हीलर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको यहाँ पे सेटअप किया था 2021 में अगस्त के टाइम पे, किसने, ओला ने, ओके। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर जो लोग हैं वो काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। बस प्रॉब्लम इसमें यह कि काफ़ी लंबा जाता नहीं, लाइक अगर 500 किलोमीटर भागे तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश NHA टू डेवलप नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सेटल्ड क्लेम्स, राइट आंसर ऑफ 14th इज ए विच इज IRDAI, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों ने मिल करके, इसने और इसने मिल करके यहाँ पे क्या बनाया है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सेटल क्लेम्स, ओके। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसके थ्रू जितने भी हेल्थ के क्लेम्स हैं उन सबको यहाँ पे सेटल किए जाएंगे, स्पेशली जो यहाँ पे ABPMJAY, क्या है ये इट्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। तो बेसिकली इसको ही यहाँ पे करने के लिए किया गया, एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपको क्लेम दिलवाने में हम आपकी हेल्प करेंगे, ओके। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UIDAI हैज लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप नेम डैश टू परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन, राइट आंसर ऑफ 15th इज सी विच इज आधार फेस RD, ओके। तो ये एक एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसके थ्रू ये आपके फेस ऑथेंटिकेशन से पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा, ओके। ये काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक अब हमें यहाँ पर जितने भी जो आधार इनरोलमेंट सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें अपना अंगूठा या फिर जो थंब इंप्रेशन है या फिर हमारा जो आईरिस है वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अपना फेस से ही आप अपने किसी भी काम को करवा सकते हो, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र, स्कॉलरशिप स्कीम, कोविन में रजिस्टर करना, कोविन जो कि कोविड के वैक्सीन के लिए, फार्मर वेलफेयर फंड, और कई सारी इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं, स्कीम्स हैं जहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन अप्रूवल किया जा चुका है, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको कहीं भी फिजिकल विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप इसको अपने घर से ही कर सकते हो या फिर कहीं पर भी, लाइक यहाँ पे बोला गया यू कैन डू इट फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम, ओके। ये दोनों चीज़ यहाँ पे बोला भी गया था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस टेक स्टार्टअप अनिकुल कॉस्मो हैज ओपन इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन विच सिटी, राइट आंसर ऑफ 16th इज डी विच इज चेन्नई। तो चेन्नई में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, क्या स्पेस टेक स्टार्टअप, ओके, अनिकुल कॉस्मो इसका नाम है। यहाँ पे लाइक इंडिया में फर्स्ट एवर यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि हम लोग रॉकेट इंजन बनाने वाले, ओके, जो कि अच्छी बात है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन ये, और साथ में हमारे इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पे इस पर्टिकुलर
जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया था या फिर अनवील किया था कह सकते हो। कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में आईआईटी मद्रास, सबने सुना है, यहीं पर इसको एक रिसर्च पार्क है वहाँ पे बनाया गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई ये एक हफ्ते के अंदर ऐसे दो अलग अलग रॉकेट इंजन्स बना सकता है और एक महीने के अंदर अंदर एक पूरा लॉन्च व्हीकल यहाँ पे रेडी कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। नाउ वी आर मतलब वी आर गोइंग फॉर स्पेस टेक स्टार्टअप्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैसकॉम फाउंडेशन हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू सेटअप डीजी वानी कॉल सेंटर। सो राइट आंसर ऑफ 17th इज बी विच इज गूगल। तो गूगल के साथ यहाँ पे किया गया किस चीज़ के लिए? तो जितने भी गूगल के साथ तो किया, साथ में यहाँ पे एक और है जिसने कोलेबोरेशन किया था, ISAP। ओके, इट्स इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल। ओके, तो यहाँ पे दोनों ने तीनों ने मिलकर यहाँ पे इसको किया एंड लॉन्च फिर किया गया। ओके, किस चीज़ के लिए? टू सपोर्ट एंड हेल्प वुमेन फार्मर एंटरप्रेन्योर्स को सो दैट दे कैन स्केल अप देयर बिजनेस। ओके, उनके बिजनेस की उन्नति के लिए, उनके बिजनेस के प्रॉफिट वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉल सेंटर को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर दे कैन आस्क अबाउट एवरीथिंग, कि जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि भाई कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी नई चीज़ के बारे में, स्पेशली अबाउट न्यू स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताने के लिए किया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट इसका दिल्ली एंड लखनऊ में दो सेंटर्स ओपन किए गए, और अगर हम कहें तो यहाँ पे 20,000 अभी शुरुआत है, इस शुरुआती दौर पे 20,000 रूरल वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा इन 6 डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो काफ़ी अच्छा स्कीम है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, काफ़ी अच्छा मतलब किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। राइट आंसर ऑफ 18th इज बी विच इज 17th ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे जितना हमारा पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम है उसको यहाँ पे थैंक्स बोलने के लिए किया जाता है कि भाई आपकी वजह से आज भी हर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बोला गया, हर पूरी दुनिया में न्याय व्यवस्था अभी भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई जितना भी मतलब पूरा हमारा सिस्टम है जुडिशरी का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे करप्शन नेक्स्ट मतलब जीरो के आसपास है। ओके, ये मैं कह सकता हूँ। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी विक्टम्स होते हैं उनके राइट्स के लिए जो ये जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी मतलब काम करती है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटी है सिस्टम में, जो नॉर्मल सिस्टम में मतलब पूरा गवर्निंग सिस्टम में जितना भी इम्प्योरिटीज़ है वो भी इससे फाइट अप करती है, कौन? जुडिशरी पूरी की पूरी। ओके, यहाँ पे न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इंडिया में भी जो लेट जस्टिस है ना वो यहाँ पे मिलता है, बट मतलब उसके पीछे एक सिंपल कारण ये है कि वहाँ पे जजेस की जो कह सकते हो जो नंबर्स ऑफ जजेस हैं वो काफ़ी कम है। ओके, और जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिशमेंट भी देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड इमोजी डे। राइट आंसर ऑफ 19th इज डी विच इज 17th ऑफ जुलाई। ओके, तो यहाँ पे जो इमोजीज होते हैं वो दे आर द वेरी ग्रेट वे टू कन्वे आर इमोशनल एक्सप्रेशंस। ओके, इसके लिए काम होता है। एक्सेप्ट दैट दिस कैन बी अ न्यू लैंग्वेज, एक तरीके से आप लैंग्वेज की तरह भी इसको यूज कर सकते हो। अभी जो हमारा टेक्सटिंग का जो पूरा जो इकोसिस्टम बन गया, स्पेशली ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे इमोजीज लगाना एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया, सो दैट कि सामने वाला आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो वो देख सके। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 363 टोटल यहाँ पे इमोजेस हैं। ओके, 3633 इमोजेस ऑल ओवर हैं। इसके अलावा मोर देन 100 इमोजेस है वो हर साल इस लिस्ट में शामिल होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, जेंडर बेस्ड, या फिर स्किन टोन, फ्लैग, और अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे होते हैं। ओके, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फादर ऑफ इमोजीज किसको बोलते हैं? शिगिताका कुरेतिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल इंडिया लॉन्च स्टार्टअप स्कूल एम टू गाइड 10- स्टार्टअप इन स्मॉलर सिटीज। राइट आंसर ऑफ 20 इज बी विच इज 10,000 यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टायर सेकंड एंड टायर थर्ड सिटीज़ को यहाँ पे लॉन्च, मतलब इसमें यहाँ पे 10,000 अलग अलग स्टार्टअप्स को लॉन्च करने की बात की गई है। यहाँ पे बोला है कि भाई स्कूल में 9 weeks का यहाँ पे प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि भाई कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टार्टअप है तो आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, उसको स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन उसको आगे इनिशिएट, उसमें कैसे कैसे न्यू स्टेप लेना, कैसे उसमें प्रमोशन करना, एवरीथिंग यहाँ पे 9 हफ्ते में बताया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टार्टअप्स का। इंडिया के पास 103 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब हैं अभी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो होते हैं जिसकी जो वर्थ है वो अराउंड बिलियंस में होती है। तो 103 है तो इसकी पूरी मतलब जो वर्थ है वो अराउंड $330 billion है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया के पास इस टाइम पे अभी 70,000 स्टार्टअप्स हैं और हर सेक्टर में। ओके, एक्सेप्ट दैट 6,000 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं मतलब यूएसए में, कि भाई हमारा जो ये पूरा प्रोडक्ट है वो हमारा हो गया, कोई और इसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। तो काफ़ी अच्छी बात है, स्टार्टअप्स में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो अप कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज इट फॉर टुडे।